ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਫਸਲ ਸੁਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਆ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣੇ ਕੋ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਗੇ ਖੁੱਲਣੇ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਭੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਅਭੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਬ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਤਾਂ 9-10 ਤਰੀਕ ਕੋ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ 9-10 ਤਰੀਕ ਕੋ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਚਲੋ ਘਰ ਕਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਆਏ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਯਾਰ ਘਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ और बस यार और कोई बात नहीं बस यार दिल उदास हो जाता है यार परदेश में परदेश अपना में। करना अपना खाना है सब कुछ करना पड़ता है काम खुद ही क्या करें दाढ़ी देखो कितनी मुछे देखो यार नाइयों की दुकानें बंद हैं अच्छा दुकानें ही बंद है नाइयों की यार क्या करें ठीक बाल देखो यार बस बुरे हालात हुए पड़े हैं यार अच्छा वैसे तो रावलपिंडी शहर है बिल्कुल यही समझ लें आप यही समझ लें छड़ियां दा ते यही हाल आवे ना कहंदे अपना रन्ना वाले खान परोठे छड़ियां दी अग ना बले बस यार ये सिस्टम ते जिन्हां दे पोते लाल ते दादियां ना की हाल ओ सब सब ठीक आ सब हलाल आ सब ठीक आ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਯਾਰ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਘਰ ਕਾ ਚੱਕਰ ਛੱਕਰ ਲਗਾ ਆਏ ਚਲੇ ਖੁਸ਼ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਯਾਰ ਔਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ सारी वीडियो बनाएंगे यार अभी लॉकडाउन लगा हुआ है कहाँ जाए कहाँ से वीडियो बनाएंगे यार काम क्या करते हो ये देखो शटर डाउन है कोई कारोबार नहीं है यार अभी बाजार बंद है नईयों की दुकानें बंद है दाढ़ियाँ बढ़िया बढ़िया हो गई हैं यार क्या करें कहाँ जाए तो काम क्या करते हो आप काम मैं यार भाई तो सिक्योरिटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं तो वर्दी नहीं पहनी आपने वर्दी इसलिए नहीं पहनी यार अगर दूसरे लोगों के लिए लॉकडाउन है तो हमारे लिए भी तो लॉकडाउन है ना हम वर्दी नहीं पहनते यार अच्छा हाँ वैसे भी हमारे बड़े जो सर हैं इधर से उन्होंने भी हमें कहा हुआ है कोई मसला नहीं है यार आप सिविल कपड़े में भी ड्यूटी दे सकते हो लेकिन ड्यूटी दो बस अच्छा ड्यूटी दो हाँ वो बहुत अच्छे सर हैं हमारे गुड सर हैं गुड सर जलाल साहब जो है ना वो बिल्कुल अच्छे सर हैं क्या सैलरी लेते हो आप यार मेरी सैलरी 14,000 सैलरी है तो गुजारा 3500 रुपया मैं किराया दे रहा हूँ कमरे का और आप लोग समझ सकते हो जब घर जाना तो 5000 रुपया तो खर्चा आ जाएगा घर जाने का 1500 रुपया जाने का 1500 फिर आने का और जहाँ हम इधर से छुट्टी जो करेंगे वो कटौती होगी उसमें बड़ा किराया लगता है 1500 आने का और 1500 जाने 3000 रुपया होगा 3000 किराया होगा और चार छुट्टियों का 2000 इधर से कटौती हो जाएगी हमारा 5000 रुपया खर्चा आ जाए पांच छुट्टियां करें तो ये 2500 रुपये तो 2500 रुपये ये हो गया तो 2-3000 5.5 हज़ार रुपया हाँ तो कैसे 9.5 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा करती हूँ यार बस इसीलिए तो नहीं तो मैं हर महीने घर जाऊँ अगर अच्छी सैलरी हो अच्छी तनख्वाह हो वैसे जब ये वज़ीर आज़म आया तो उस वक्त कहा था 17,500 रुपये तनख्वाह शुरू हो जाएगी और 8 घंटे ड्यूटी होगी यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है हुआ यार बस वो ही है 12 घंटे ड्यूटी दो इधर जितने भी यार चाचा सिक्योरिटी गार्ड है वो सब 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 बस इससे ज़्यादा नहीं सैलरी है इधर बस यही सैलरी है अच्छा 12 में देखा